So this is the paper, ये आज का पेपर है। देखिए दिस 27/2/2023 ASDEOS और ADEOS दोनों के लिए था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखे, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन काफी कंफ्यूज क्वेश्चन है। He differed in this matter, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑलरेडी लगा हुआ है in, लेकिन ये मैटर करता है इसके साथ। आप डिफर के साथ जब दो बंदे आपस में डिसएग्री हो, ठीक है, तो विद लगता है। He differed with in this matter। क्वेश्चन नंबर 2 लेके, द पेशेंट वॉज क्यूर्ड डेंगी। यहां काफी दोस्तों ने फ्रॉम लगाया होगा, लेकिन एक्चुअली यहां ऑप्शन बी लगता है। द पेशेंट वॉज क्यूर्ड ऑफ डेंगी, द पेशेंट वॉज क्यूर्ड ऑफ डेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेगुलर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, टू लगेगा। रेगुलर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऑप्शन बी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को, दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, ऑप्शन ए लगेगा। दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू नॉट एंड डू द राइट नेवर फील आइसोलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन को, डिस्पाइट हैविंग बीन वार्न्ड अगेंस्ट, ऑप्शन बी लगेगा। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड अगेंस्ट द पिक पॉकेट्स ही लॉस्ट हिज मनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज the correct sentence। He never listens me, he never listened to me, he never listens to me, option C लगेगा। He never listens to me। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन को, select the correct patio that forbid the sale of alcohol in this state। सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है, फॉरबिड मना करना, दे फॉरबिड द सेल ऑफ अल्कोहल इन दिस स्टेट। तो जब प्रेजेंट में है तो ऑप्शन देखें, द सेल ऑफ अल्कोहल इज फॉरबिडन इन दिस स्टेट, ऑप्शन ए लगेगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखे, 8 नंबर क्वेश्चन को, द म्यूनिसिपैलिटी प्रोहिबिट्स पार्किंग ऑन द मेन रोड। यहां पार्किंग जो है ना, ये जरंड है, वर्ब नहीं है। इसमें मेन वर्ब जो है वो प्रोहिबिट्स है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है। तो इसमें आएगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन, इसमें आएगा, देखे जरा, ये बनेगा कि पार्किंग ऑन द मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी, पार्किंग ऑन द मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। अब देखें, पार्किंग ऑन द मेन रोड वाज नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है। पार्किंग ऑन द मेन रोड इज बीइंग, ये भी नहीं लगेगा। पार्किंग ऑन द मेन रोड हैज बीन नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया। पार्किंग ऑन द मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ही सेज इट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट। यहाँ देखिए, ये जो स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी टेंस के लिहाज से, याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा कि he says that it will probably be all right. He says that he says that ऑप्शन बी लगेगा इसमें. He says that it will probably be all right. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10 थे कि इसमें इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं. तो आखिरी क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का. They said the earth goes around the sun, and this is universal truth. The earth goes around the sun. ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी. तो क्या लगेगा? They said that the earth goes around the sun. ऑप्शन बी. They said that the earth goes around the sun. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. तो ये तो दोस्तों इस पेपर का पार्ट नंबर 1. बाकी पार्ट भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ. लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.